स्तूप है, हस्तिग्राम स्तूप जी, ये कितने वर्ष से है? ये मौर्य वंश का लगभग 25,000 वर्ष पहले की है। ये मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज महान सम्राट अशोक द्वारा इसकी नींव रखी गई थी, और ये इतिहास के किताबों में, जैसे भूतकालीन जितने भी इतिहास हैं, इस मौतकालीन इतिहास में भी इसके 25,000 वर्ष पुरानी गाथाओं में ये मिलती है कि सम्राट अशोक द्वारा 25,000 स्तूपा और 64,000 बुद्ध विहार बनवाए थे, उसी का ये निर्माण है। जो आप ये टीला देख रहे हैं, ये टीला ही नहीं, यह महान सम्राट अशोक बनाने बुद्ध विहार था, और बगल में एक बहुत बड़ा यहाँ पे विश्वविद्यालय और चिकित्सालय था। और यहाँ पे प्रत्येक बुधवार एवं प्रत्येक पूर्णिमा के दिन यहाँ से इस गोपालगंज जिले के इर्द गिर्द इलाके से भी, और गोपालगंज के साथ साथ सामावर्ती बिहार उत्तर प्रदेश से भी यहाँ पे लोग हजारों की संख्या में आते हैं और यहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है। लेकिन यहाँ पे हम लोग सम्राट अशोक सोशल वेलफेयर सोसाइटी के केंद्रीय कमेटी और राज कमेटी के द्वारा हमने यहाँ पुरातत्व विभाग को इसको संरक्षित करने के लिए लिखा, जो आज तक प्रशासन इसमें कोई पहल नहीं किया और न संरक्षित किया। अगर यह भारत सरकार की धरोहर है, अगर इसको संरक्षित किया जाता तो आने वाले दिन में पर्यटन स्थल के लिए गोपालगंज जिला में एक बहुत सर, एक मेरा सवाल है, जो यहाँ के MP और MLA हैं, उन लोग का निगाह नहीं है क्या है? और प्रशासन का, यहाँ के MP और MLA को कई बार आगाह किया गया, लिखित भी दिया गया, यहाँ के प्रशासन को भी दिखा गया। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कई बार इसको खंडित करने का कोशिश किया गया है, और हम लोग कई बार कोशिश किए, लेकिन अभी तक यहाँ का कोई भी प्रतिनिधि इस पे कोई सवाल नहीं उठा पाता है। क्या सर, यहाँ का जनता भी, क्या उन लोग का क्या अस्तित्व है? जनता तो यहाँ पे संघर्ष कर रही है, जनता अपने अस्तित्व को बचाने के लिए और इस स्तूप को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। अभी यहाँ पे 2 साल पहले भारत सरकार द्वारा मनरेगा के तरफ एक बुद्ध स्मृति पार्क पास हुआ था, और यहाँ से सड़क पास हुआ था जो मेन रोड से जोड़ने का, अभी तक वह कार्य पूरा नहीं हो पाया, और यहाँ पे स्थानीय जो लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, इस पे रुचि नहीं दिखाते हैं। तो इसके लिए सर क्या हो सकता है? इसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, और फिर से बहुत विगत हम लोग अगले हफ्ते तक हम लोग जिला पदाधिकारी से मिलेंगे और वरीय पदाधिकारी को जरूर करेंगे कि भाई इसको काम को जल्द किया जाए और इस स्तूप को संरक्षित किया जाए। सर आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर रविंद्र कुमार वर्मा, सम्राट अशोक सोशल वेलफेयर सोसाइटी का प्रदेश प्रभारी हूँ।